आपको प्रथमा पाठ का पहला पैराग्राफ पढ़ाया था, आज आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। सिंह चिरंजीवी भव अहम अन्न हतम जंतु कदापि न खादामि इदम तवैव भोजनम भवत। सिंह गच्छत श्रृंगाल मनसि अस्तु इमं व्याघ्रं वेदे योजयामि प्रत्यक्षं मां सिंहस्य भोजनमयं गच्छामि। सा स्नानार्थं नदीं गतः यावत् सः न आगच्छति तावत् त्वमत्ततः अप्सर। व्याघ्र हन्तो गच्छामि अन्यथा सापनराजः मां मारिष्यति। व्याघ्र गच्छति श्रृंगालः हे भाग्नेय आप इसलम आगच्छ यद्यपि इदम सिंहस्य भोजनम तथापि यावत् सिंह न आगच्छति तावत् त्वं स्वादिष्टं गजमासं सानन्दं भक्षय। अहम त्वां सिंहस्य सूचयिष्यामि। इसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा। कभी खादामि खाऊंगा जाता है अस्तु हाँ मामा यावत् जब अब देखिएगा। सिंगार चिरंजीवी भाव अहम अन्ये न तम जंतु कदापि न खादामि। मैं यहाँ आपके भोजन की रक्षा कर रहा हूँ। शेर ने कहा मैं किसी और का शिकार नहीं खाता। इदम तो यो भोजनम भवति यह तुम्हारा भोजन है। सिंगा गच्छति शेर चला जाता है। श्रृंगाला चार मनसि अस्तु इमं व्याघ्रं वेदे योजयामि। आज मैं इस भेड़िए मैं आज इस शेर की योजना बनाता हूँ। प्रत्यक्षम सामने मामा सिंहस्य भोजनम रक्षामि। मामा मैं तुम्हारे भोजन की रक्षा करूँगा। सा स्नानार्थम नदी में गता वह स्नान करने के लिए नदी चला गया। यावत् सा न आगच्छति जब वह
आता हुआ नहीं दिखाई दिया, तावत तौमत्रता अप्सरा, तभी वह दूर भाग गया। व्याघ्रा हंत गच्छामि यन्यथा सापन राजा माम आनिष्यति, मारो जाओ यहां से, शेर मुझे मारेगा। व्याघ्रा गच्छति, शेर चला जाता है। होमवर्क में लिखिए, लंग शब्दार्थ, दैट्स ऑल।